गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड रेज। इट मींस कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला टॉपिक है कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की खोज। कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे करेंगे? सबसे पहले कैथोड किरण की खोज किया गया और कैथोड किरण के गुणों का अध्ययन करने के बाद सर जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इसका मतलब हुआ कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। एक प्रकार से कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले कैथोड किरण के की खोज किसने किया, एक्सपेरिमेंट को किसने किया? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कैथोड किरणों की खोज। कैथोड किरण की खोज का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले 1838 ईस्वी में फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। फैराडे के बाद 1879 ईस्वी में जूलियस प्लकर, 1859 में जूलियस प्लकर और 1879 में विलियम क्रूक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को पुनः रिपीट किया। इसका मतलब हुआ सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को 1838 में फैराडे ने किया था, बाद में जूलियस प्लकर 1859, विलियम क्रूक्स 1879 में इस प्रयोग को दोहराया था। इसके बाद 1897 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया। मैंने कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन बताया। किसे बताया? सर जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम दिया था स्टोनी ने। कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया और कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन चूंकि कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन सर जे थॉमसन ने किया मुख्य रूप से, इसलिए इसका पूरा का पूरा श्रेय सर जे थॉमसन को जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने किया, परंतु कैथोड किरण का इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया था। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुने। सर्वप्रथम विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में एक विसर्जन नली लिया। ये शीशे का बना होता है, कांच का यह विसर्जन नलिका होता है, जिसे विद्युत विसर्जन नली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके कैथोड किरण की खोज किया गया। तो आपके सामने विसर्जन नलिका है जो कांच का बना होता है। इस विसर्जन नली के नीचे वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है, निर्वात पंप बोलते हैं जिसे। वायु रहित निर्वात विसर्जन नली का, इसका नाम है वैक्यूम पंप। यह वैक्यूम पंप है, अर्थात निर्वात पंप बोलते हैं हिंदी में।
इसका नाम है विसर्जन नली। क्या इस विसर्जन नली को दो इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया। ये मेटल का इलेक्ट्रोड होता है बाई ओर और दाई ओर, दो मेटल के इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाता है। जिसे कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड नाम दिया गया। जूलियस प्लकर ने 1889 में एक विसर्जन लिया जो कांच का बना होता है, इसके नीचे निर्वात पंप लगा दिया, अर्थात इसमें का जो एयर था एयर शून्य हो गया, निर्वात हो गया, और इस विसर्जन नलिका को दो प्लेटों से जोड़ दिया, बाई ओर कैथोड प्लेट, दाई ओर एनोड प्लेट। कैथोड प्लेट ऋण आवेशित होता है, एनोड प्लेट धन आवेशित होता है। ये दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड होते हैं, मेटल मिश्र धातु धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये ऋण आवेशित होता है और ये धनावेशित इलेक्ट्रोड प्लेट होता है जिसे एनोड कहा जाता है। इस विसर्जन नलिका को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दिया जाता है, जिसका मिनिमम वोल्टेज 10,000 और मैक्सिमम वोल्टेज 30,000 होता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर कुछ मात्रा में गैस लिया जिसका मिनिमम दाब 0.01 mm से 0.001 mm होता है। ये गैस है जिसका दाब होता है 0.01 से 0.001 mm, मरकरी के दाब के बराबर। एक बार ध्यान सुने, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक ने 1889 में एक विसर्जन नली लिया। इस विसर्जन नली को दो प्लेटों से जोड़ दिया, बाई ओर ऋण आवेशित कैथोड प्लेट और दाई ओर धनावेशित एनोड प्लेट लगा दिया। इसके अंदर 0.01 से 0.001 mm मरकरी के दाब के बराबर गैस लिया जिसका दाब होता है 0.01 से 0.001 mm मरकरी के दाब के बराबर होता है। इस विसर्जन नलिका को वैक्यूम इस विसर्जन नलिका में वैक्यूम पंप लगा दिया गया, निर्वात पंप। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ दिया गया जिसका मिनिमम विभवांतर होता है 10,000 से 30,000। जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा गया तो उन्होंने देखा कि कैथोड प्लेट से कुछ कीड़े निकलकर कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य कीड़े निकलकर पुंज की भांत सीधी रेखा में एनोड प्लेट की ओर जा रही थी।
निकल रही थी, इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरण रखा। ये रेज किससे निकल रही है? कैथोड प्लेट से, इसलिए इन किरणों का नाम रखा गया कैथोड रेज। इसका नाम है वैक्यूम पंप। ये है एनोड प्लेट और ये है डिस्चार्ज ट्यूब। इन्हीं कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करने के बाद सर एच थॉमसन ने इन्हें सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन मान दिया। कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन का रूप बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया था। एक बार ध्यान सुने, विलियम ब्रुक्स 1879 ईस्वी में एक विसर्जन ले लिया जो कांच का बना होता है, ग्लास ट्यूब होता है। इस विसर्जन नलिका को दो प्लेटों से जोड़ दिया, बाईं ओर ऋणावेशित कैथोड प्लेट और दाईं ओर धनावेशित एनोड प्लेट लगा दिया। लगाने के बाद इसके अंदर कुछ मात्रा में गैस लिया जिसका दाब मिनिमम 0.01 mm, मैक्सिमम 0.01 mm और मिनिमम 0.001 mm के इक्विवेलेंट होता है। इसके नीचे निर्वात पंप लगा रहता है। जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा गया, उच्च विभवांतर से जोड़ा गया जिसका मिनिमम वोल्टेज 10,000 मैक्सिमम वोल्टेज 30,000 होता है, 30,000 होता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कैथोड प्लेट से कुछ अदृश्य किरणें निकल कर सीधी रेखा में एनोड प्लेट की ओर जा रही थी जो कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप उत्पन्न कर रही थी। इन किरणों का ही नाम कैथोड किरण रखा गया क्योंकि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकल रही थी, इसलिए इनका नाम कैथोड किरण रखा। 1897 ईस्वी में सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करने के बाद इसे इलेक्ट्रॉन के आवेशी अद्रव्यमान का अनुपात निकाला जो यूनिवर्सल कांस्टेंट पाया गया, सार्थी निदान पाया गया। इसका मतलब हुआ विसर्जन नलिका के अंदर चाहे जो भी गैस लिया जाए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनी अपान मास ऑफ इलेक्ट्रॉनियम का अनुपात सदैव सार्थी नितांक होता है। इसका मतलब है इसके अंदर चाहे जो भी गैस लिया जाए, इलेक्ट्रोड चाहे जिसका बना हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉनियम के अनुपात पर कोई डिफरेंस नहीं आता, अर्थात हर अवस्था में ई अपान एम का अनुपात सदैव नियत रहता है। इन्हीं के गुणों का अध्ययन करने के बाद सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। अब हम डिस्कस करेंगे कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन। कैथोड किरण हो गया, अब डिस्कवरी या प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, स्टडी ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ
छोड़ दी। कैथोड किरणों के गुरु का अध्ययन, कैथोड किरणों के गुरु, कैथोड किरणों के गुरु का अध्ययन सर जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया, जिनके निम्नलिखित लक्षण थे। पॉइंट नंबर वन, कैथोड किरणे सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सर जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड किरणे सीधी रेखा में चलती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए विसर्जन नलिका में कैथोड किरण के सामने एक अपारदर्शी वस्त्र रखा। जब कैथोड किरण अपारदर्शी वस्त्र के ऊपर पड़ती हैं, तो कैथोड किरणों का आभासी प्रतिबिंब उस अपारदर्शी वस्त्र के पीछे अर्थात एनोड के सामने बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसको सिद्ध करने के लिए धातु का अपारदर्शी टुकड़ा रखा। ये कैथोड किरण है, ये धातु का अपारदर्शी टुकड़ा है। कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसको सिद्ध करने के लिए विसर्जन नलिका के अंदर धातु का अपारदर्शी वस्तु रखी गई। जब कैथोड किरणें इस अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं, तो इसका आभासी प्रतिबिंब इसके पीछे अर्थात एनोड प्लेट के सामने बनती है। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। यह रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। सर जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए कि कैथोड किरण सूक्ष्म कणों से बना होता है, इसको सिद्ध करने के लिए इस विसर्जन नलिका के अंदर कैथोड किरण के सामने एक हल्का पहिया लगा दिया, व्हील रख दिया। जब कैथोड किरणें इस पहिए पर पड़ती हैं, ये पहिया मूव कर जाता है, रोटेट करने लगता है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। एक बार ध्यान दें, पॉइंट नंबर वन, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए विसर्जन नलिका के अंदर कैथोड किरण के सामने एक धातु का अपारदर्शी वस्तु रखा। जब कैथोड किरणें धातु के अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं, तो उसका आभासी प्रतिबिंब उसके पीछे अर्थात एनोड प्लेट के सामने बनता है, जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए विसर्जन नलिका के अंदर कैथोड किरण के सामने हल्का पहिया रख दिया गया। जब कैथोड किरण पहिए के संपर्क में आती है, तो
यह पहिया घूमने लगता है जिससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात जब विसर्जन नली के ऊपर और नीचे मैग्नेट लगा दिया जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र अर्थात या चुंबकीय क्षेत्र की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जो कैथोड किरणें सीधे जा रही थी वह सीधे न जा करके वह धनावेशी चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती है। एक बार ध्यान सुने, तीसरा पॉइंट, कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती है। एक तरफ विसर्जन नलिका के नीचे की तरफ धनावेशित मैग्नेट और ऊपर ऋणावेशित मैग्नेट लगा दिया, अर्थात एक तरफ धनावेशित मैग्नेट एक तरफ ऋणावेशित मैग्नेट, अर्थात एक तरफ का एरिया पॉजिटिव था दूसरी तरफ का एरिया नेगेटिव था। जब कैथोड किरणें कैथोड पर से निकलती हैं तो सीधे में जा करके वे धनावेशी मैग्नेट की तरफ मुड़ जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं और कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं तथा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। इसका मतलब हुआ जब विसर्जन नली के ऊपर और नीचे मैग्नेट या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, एक तरफ धनावेशित एक तरफ ऋणावेशित, तो जो कैथोड किरणें सीधे जा रही थी एनोड की तरफ वे एनोड की ओर न जा करके धनावेशित चुंबकीय क्षेत्र की ओर अर्थात विद्युत क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। यह रहा थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर्थ, कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं, मीन्स चार्ज युक्त कर देती हैं, अर्थात धनावेशित व ऋणावेशित कर देती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित करती हैं, आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। और यह भी जानिए कैथोड किरणें, अब जो गैस इसके अंदर लिया जाता है, आप जानते हैं गैस विद्युत का कुचालक होता है, परंतु लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से गैस विद्युत का कुचालक होता है जबकि निम्न दाब और उच्च ताप पर गैस विद्युत का सुचालक होता है। यदि दाब कम न किया जाता तो विद्युत विसर्जन न हो पाता, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो न हो पाता और कैथोड किरण की खोज न हो पाती। तो पॉइंट नंबर फोर्थ, कैथोड किरणें ताप दीप उत्पन्न करती हैं, कैथोड किरणें ताप दीप उत्पन्न करती हैं, अर्थात
ऊष्मा उत्पन्न करती है। पॉइंट नंबर 5, कैथोड किरण हरे रंग की प्रतिदीप्त अर्थात प्रकाश उत्पन्न करती है। जब कैथोड किरण कांच की दीवार पर पड़ती है तो हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट, कैथोड किरण धातु की पतली चादर को भेदने की क्षमता रखती है, अर्थात मेटल के थिन फाइल को पेनिट्रेट करती है। कैथोड किरण तीव्र गति से एनोड प्लेट की ओर गति करती है। आठवां पॉइंट, कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है अर्थात काला कर देती है। नौवां, कैथोड किरण जब उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ती है तो ये एक्स किरण प्रोड्यूस करती है, एक्स किरण उत्पन्न करती है। जब कैथोड किरण उच्च गलनांक वाली धातु अर्थात टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, जब कैथोड किरण उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ती है तो ये कैथोड किरण एक्स रे में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब होता है जो एक्स रे किसी का लिया जाता है, किसी हड्डी का एक्स रे लिया जाता है तो यही कैथोड रेज एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाता है। कैथोड रेज जब निकलती है तो उसके सामने उच्च गलनांक की धातु होती है, जब एक कैथोड किरण उच्च गलनांक की धातु पर पड़ती है तो ये एक्स रे में चेंज हो जाती है, अर्थात जो एक्स रे लिया जाता है वो सीधे सीधे एक्स रे नहीं होता बल्कि एक प्रकार का कैथोड रेज होता है। और यह कैथोड रेज जब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल पर अर्थात टंगस्टन पर पड़ती है ये कैथोड रेज चेंज इनटू एक्स रेज, यही कैथोड किरण एक्स किरण में परिवर्तित हो जाता है जब ये उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ती है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैथोड किरण अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेशी और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यंग का अनुपात सदैव सार्वत्रिक नियतांक होता है। इसका मतलब हुआ विसर्जन नलिका के अंदर चाहे जो भी गैस लिया जाए कैथोड और एनोड चाहे जिस धातु का बना हो प्रत्येक अवस्था में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम का अनुपात सदैव सार्वत्रिक नियतांक पाया जाता है। इसका मतलब होता है -1.75 × 10⁸ g/g होता है, इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक। मैं कल आपको बताऊंगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम का अनुपात सदैव एक सार्वत्रिक नियतांक होता है। कैसे होता है इसको कल बताएंगे। और सर जे थॉमसन ने कैथोड किरण से ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली, अर्थात कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया था।
इसी कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन का मास निर्माण किया और ई अपानियम का रेशियो निकाला जो एक साथी नितान पाया गया। इसको आई विल डिस्कस नेक्स्ट डे, उसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे, उसके पहले हम विसर्जन नलिका के अंदर चाहे जो भी गैस लेंगे, इलेक्ट्रोड चाहे इसका बना होगा, ई अपान एम का अनुपात सदैव नियत पाया जाता है, जिसे सार्टिंग नितांक कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट से सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कस करेंगे।